लास्ट एंड ब्रीफ वाले क्वेश्चन है, वी कॉल इट द ट्रेड स्टार्स क्यू एंड ए सेशन, ठीक है? जल्दी से मेरे को बताइए, गंभीर एंड और धोनी द बेटर आईपीएल स्किपर अकॉर्डिंग टू यू? यू डोंट हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट. कबीर, पंत, सैमसन और किशन द ब्राइटर फ्यूचर, ईशान किशन एंड शिखर द ब्राइटर फ्यूचर. मतलब आई वी विश द बेस्ट ऑफ लक टू ऑल थ्री, बट आपके हिसाब से एक. मुझे ऐसा लगता है कि तीनों ही बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन डिफरेंट रोल है. अगर जब आप देखते हैं कि इंटरनेशनल टीम के साथ या इंटरनेशनल एक्सपोजर जो उनको मिला हुआ है काफ़ी ज़्यादा मिला हुआ है बाकी दो के मुकाबले, लेकिन अगर आप वही बात करते हैं संजू सैमसन की, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन जो मैंने उनको बैटिंग करते हुए देखा, जितनी आसानी से बैटिंग करते हैं. इस साल उनको हमने कैप्टनसी की भी रोल में देखा कि आईपीएल में उन्होंने कैप्टनसी करने का मौका मिला है, बट वो उनको मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज इतनी लगातार मिली नहीं है. दो तीन मैच मिलती है देन तो किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता जब उसको पता हो कि मैं नेक्स्ट सीरीज के लिए श्योर हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि हमने ये चीज़ रोहित के साथ भी देखी थी शुरू में स्ट्रगल करते हुए. लेकिन वो काबिलियत उनके अंदर दिखती है कि अगर वो संजू सैमसन इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा उनको, तो ही कैन डू वंडर्स फॉर इंडियन क्रिकेट टीम. वहीं आप ईशान किशन को भी हमने देखा इस बार इंडियन टीम के लिए खेलते हुए, स्टार्ट बहुत अच्छी हुई है लेकिन आईपीएल में थोड़ा सा मिस आउट करके वो फॉर्म देखने को नहीं मिली. लेकिन तीनों ही प्लेयर्स बहुत ब्रिलियंट हैं. फ्यूचर आप ये कहेंगे कि अगर किसी एक चीज के अंदर आप बैटिंग बॉलिंग या विकेट कीपर्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो ब्राइट फ्यूचर है वो विकेट कीपर्स का इंडिया में, क्योंकि तीनों ही जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो बहुत लाजवाब. किसी एक को चूज करना बहुत गलत होगा इनके लिए. थ्री प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर आइदर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, जो आपको लगता है तीन प्लेयर मैच बदल देंगे, बदल सकते हैं? लगता है कि अगर आप दोनों टीमों के तीन तीन या टोटल तीन, आपकी मर्जी है जैसे आप, हाउएवर यू वांट. लगता है कि चलो मैं दो दो पिक कर लेता हूं, ठीक है? केन विलियमसन और विराट कोहली. मतलब अगर आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो मुझे लगता है केन विलियमसन का रूल और ट्रेंट बोल्ट का. वही है, यारो ना, केन विलियमसन केन विलियमसन चलो मैं कहता हूँ ट्रेंट बोल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है कि किस तरीके से वो बॉलिंग करेंगे. सेकंड वन आई विल से काइल जेमिसन, अगर न्यूजीलैंड की आप बात करते हैं कि, क्योंकि वो अगर आप देखते हैं उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप में अगर न्यूजीलैंड क्वालिफाई किया है फाइनल्स खेलने के लिए तो उनका रोल काफी बड़ा रहा है, काफी विकेट्स हैं उनके नाम. और ये एक डिफरेंट हो सकता है कि अभी तक वो ड्यूक्स की बॉल से कैसे गेंदबाजी करेंगे, एक नई चीज होगी उनके लिए, लेकिन इंग्लैंड में अभी तक खेले भी नहीं है ज्यादा. बट लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में विकेट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता. और अगर आप इंडियन टीम की बात करते हैं तो रोहित शर्मा ओपन करने आएंगे, तो किस तरीके से वो वहां पे स्विंग को खेलते हैं, और क्योंकि अगर वो एक ऐसे खिलाड़ी है मुझे लगता है कि अगर वो थोड़ा सा सेट हो जाएंगे और टाइम स्पेंड कर लेंगे ना तो वो अकेले ही मैच जिता सकते हैं अपनी टीम को, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, T20 हो, वनडे हो, टेस्ट क्रिकेट हो. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन अगर किसी ने आजकल की अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर. और सेकेंड जो मुझे लगता है कि रोल रहेगा ऋषभ पंत का, कि जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करी, सिंगल हैंडली मैच जीता है वहाँ पे, कि जब आपको लग रहा था कि आप पता नहीं मैच जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, और उसके बाद काफ़ी अच्छी फॉर्म, एक फाइव डे क्रिकेट की बात करते हैं, टेस्ट मैचेस की बात करते हैं, तो उस फॉर्मेट के अंदर काफ़ी अच्छी फॉर्म के अंदर इस चैंपियनशिप और फाइनल के अंदर आ रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन, एंड देन आपने इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू. लास्ट क्वेश्चन, मतलब इसके दो पार्ट्स हैं. एक, अगर आप इंडियन टीम के कोच होते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, आपको पता है जून में फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश समर में, ठीक है, और न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हमने जैसी पिचेस दी थी मुझे लग रहा है कि वो भी हमें वैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, तो क्या आप जडेजा और अश्विन दोनों को खिलाओगे, छह बैट्समैन एंड विकेट कीपर खिलाओगे, या फिर आप चार पेसर ही खिला दोगे एंड वन जडेजा? वॉट विल बी योर कॉम्बिनेशन? रहने तक तो हमें पता है टॉप फाइव, तो उसके बाद क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि डिपेंड्स की किस तरीके की पिच है, पिच देखने के बाद आप डिसाइड करते हैं. मुझे नहीं लगता कि आपका जो फोकस होता है मैच जीतने के ऊपर.
अश्विन बहुत बहुत सालों से एक बहुत अच्छा रोल प्ले करके आए भारतीय टीम के लिए, इतनी विकेट्स हैं के नाम, बैट से भी रन बनाए हैं उन्होंने, सेम रोल रविंद्र जडेजा कर रहे हैं, फॉर्म में भी हैं इस बार, आपके पास एक क्वालिटी पेस अटैक है, बट वो सब कुछ आप मैच से दो दिन पहले आप देखते हैं विकेट कैसा है और आप डिसाइड करते हैं कि कौन से बॉलर्स मुझे इस पिच पे मैच जिता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे स्पिनर्स का रोल ज्यादा नहीं होने वाला है, तो आप चार फास्ट बॉलर के साथ आप रविंद्र जडेजा को भी खिला सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक अगर बीच में कुछ ओवर्स डाल सकते हैं, आपके लिए बैटिंग भी कर सकते हैं, या सिर्फ आप छह बैट्समैन एक विकेट कीपर और आप चार बॉलर्स के साथ जाना चाहते हैं पेस बॉलर, आप वो भी देखा है हमने भारतीय टीम को करते हुए। तो इट डिपेंड्स कि मेरे पास, या अगर आप बात करें भारतीय टीम की बात, कि कौन से ऐसे वो बॉलर्स होंगे जो उस विकेट पे मैच जिता के दे सकते हैं, तो इतना पहले डिसाइड करना बहुत गलत होगा। आप तैयारी अच्छी करते हैं एंड देन आप देखते हैं कि आपके स्क्वाड के अंदर कौन से ऐसे बॉलर्स हैं, कौन से बॉलर्स फॉर्म में हैं, प्रेजेंट फॉर्म में अच्छा कर रहे हैं, आप उनको पिक करते हैं फिर। और इसी का मेरा सेकंड पार्ट आंसर, मेरे को आपका आंसर ना एज एन इंडियन नहीं चाहिए, मेरे को आपका आंसर एनालिस्ट एंड एनालिस्टर चाहिए। विद इंडियन टीम बीइंग इन क्वारंटीन एंड ओनली 5 days फॉर प्रैक्टिस एंड फैमिलियर टू इंग्लिश कंडीशंस प्लस प्लेइंग अ क्वालिटी ऑपोजिशन लाइक इंग्लैंड एंड गेटिंग यूज्ड टू द कंडीशंस, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन, हु हैज द एज इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल? मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो एज है वो न्यूजीलैंड के पास ज्यादा है, क्योंकि वो काफी पहले उस जगह से पहुंचे हुए हैं और देन वो वर्ल्ड चैंपियनशिप टेस्ट चैंपियनशिप से पहले भी कुछ मैचेस खेल रहे हैं, टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, तो उनको जो किसी भी आप एक जब मैं कहूंगा कि आप बड़े टूर्नामेंट की तरफ जा रहे होते हैं, बड़े मैचेस की तरफ जा रहे होते हैं, तो आपको अगर आप कुछ मैचेस खेल के जाते हैं तो आप हमेशा कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं कि हाँ यार कि यू नो कि मैं अच्छा करके आया हूँ, मुझे पता है यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपके पांव अच्छे, अगर बैट्समैन की बात करूँ तो फुटवर्क अच्छा होना शुरू होता है, यू नो आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो एक डेफिनेटली अगर एज न्यूजीलैंड की तरफ है, लेकिन बहुत बड़ा एज नहीं होगा, क्योंकि भारतीय टीम के पास भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, क्वालिटी खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड के टूर पहले कर चुके हैं, उन अगर आप बात करते हैं इंग्लैंड कंडीशंस की, उन कंडीशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बार खेल चुके हैं, डिफरेंस जरूर होगा बट लेकिन मुझे लगता है कि एज ज्यादा नहीं होगा। अगर आप परसेंटेज की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 55 अगर न्यूजीलैंड के हक में तो 45 इंडियन टीम के पास भी है।